सभी का नमस्कार। लैंडमार्क फिर आपके सामने हाजिर है कनाडा को लेके। आज हम बात करेंगे कनाडा के बारे में, कनाडा के रिक्वायरमेंट्स, कॉलेजेस और कुछ न्यू अपडेट्स के बारे में। जी हाँ, क्या आप भी प्लान कर रहे हैं कनाडा जाने के लिए पर कंफ्यूज हैं कोर्स और कॉलेजेस के बीच में, तो लैंडमार्क आपके सामने हाजिर है आपकी इस दिक्कत को सॉल्व करने के लिए। चलो अब हम बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो अभी जो अपकमिंग इनटेक आपके पास आ रहा है वो आपके पास आ रहा है मई और सितंबर, जिसमें अभी भी कुछ हद तक काफ़ी कॉलेजेस ओपन हैं आपके इनटेक के लिए, ठीक है, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं रिक्वायरमेंट, आपकी क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर आप यूजी प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो यूजी प्रोग्राम की आपकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो आपकी रहती है 6 in each। अगर आप पीजी प्रोग्राम के लिए प्लान कर रहे हैं तो पीजी प्रोग्राम आपकी जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो आपकी रहेगी 6.5, नॉट लेस देन 6। अगर आपका 6 और वन मॉड्यूल में 5.5 भी है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। अभी भी कनाडा के कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक में 5.5 एक्सेप्ट कर रहा है, आप अपनी फाइल अभी भी लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अब आते हैं गैप पे। अगर आप यूजी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपका 18 से 2 साल का गैप रिक्वायरमेंट जस्टिफाई हो जाता है। अगर आप पीजी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपका 4 से 5 साल का गैप जस्टिफाई हो जाएगा बड़े आराम से। अब आते हैं रीसेंट अपडेट पे। जैसा कि आजकल हम सुन रहे हैं कि कनाडा ने जो अपनी GIC है स्टूडेंट की वो इंक्रीज हो गई है 1 जनवरी 2024 से, जो कि पहले थी $10,000 अब हो गई है $20,635 की। अगर आपने अपना ऑफ़र लेटर रिसीव कर लिया है तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप 31 दिसंबर से पहले पहले अपनी GIC पे कर दें और डबल फीस पे करने से बचें। प्लस फर्दर आपकी जानकारी के लिए आप इसके लिए लैंडमार्क को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है GIC के रिगार्डिंग, ऑफ़र लेटर के रिगार्डिंग या फर्दर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं कनाडा के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग, आपको कहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी है, कहाँ पे वेवर है, प्लस लैंडमार्क आपके साथ कुछ और चीज़ों के साथ आएगा, कुछ न्यू ऑफर्स के साथ आएगा, तो लैंडमार्क के साथ बने रहिएगा अपनी न्यू एडमिशन्स के लिए, अपनी एप्लीकेशन के लिए। फर्दर कनाडा की आपकी जो प्रेफरेंसेस रहती है लैंडमार्क आपको उसमें भी हेल्प करेगा। आपकी प्रेफरेंस क्या है, आपका कोर्स क्या है, आपको आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही गाइड किया जाएगा। अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ जो आपको मिल सकती हैं वो आपको एल्गोमा यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, आपको UCW मिल जाएगा, प्लस आपको UNBC मिल जाता है या फिर आपको सेंट थॉमस में आपके प्रोग्राम्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करें कॉलेजेस की तो कॉलेजेस में आपके पास नाइग्रा है, फ्लेमिंग है, लैम्पटन है, इसमें आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, चाहे वो बिजनेस के रिगार्डिंग है, आर्ट्स के रिगार्डिंग है या फिर आपकी कोई साइंस फील्ड के रिगार्डिंग है। फर्दर कोई क्वेश्चन अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारी जो भी नियरेस्ट ब्रांच आपके पास पड़ती है आप वहाँ विजिट कर सकते हैं या फिर आप नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लैंडमार्क आपके पास हमेशा हाजिर रहेगा आपकी वीजा क्वेरी के लिए या फिर आपकी फर्दर कोई भी एजुकेशनल जर्नी के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।